नमस्कार, मैं उर्विका सरस्वती, इंडिया न्यूज 64 में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आए हैं भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर एवलॉन गार्डन सोसाइटी में, जहाँ पे कल रात के 10:30 बजे से बिजली काट ली गई है। सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि लोगों ने मेंटेनेंस नहीं दिया था, या बिजली का बिल नहीं दिया था, या पानी का बिल नहीं दिया था। इस वजह से कल रात से 10:30 बजे से यहाँ पे लोगों की बिजली काट ली गई है। लोगों में गुस्सा उमड़ रहा है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं से भी अमाननीय चीज़ है। इसके लिए इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप इस सोसाइटी में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गंदगी है, किस तरीके से यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, बिल्डिंग्स में पेंट नहीं है। तो आइए हम यहाँ पे चल के लोगों के विचार जानते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमको 12-20 से हम प्रयास कर रहे थे, कम से कम 20 बार तो मैंने सिक्योरिटी वाले से बात की, मैंने अपना सिक्योरिटी वाला भेजा, मेन गेट का सिक्योरिटी वाला भेजा, कहीं पर भी इलेक्ट्रिशियन उसको उपलब्ध नहीं हुआ। ऑफिस में भी ढूंढवाया, उसके घर पे भी घंटी बजवाई, घंटे घर पे दरवाजा किसी ने नहीं खोला है। ऑफिस में मैंने जब पूछा, मुझे ये शक था भी ऑफिस में सोता है, ऑफिस में जब उससे पूछा, बोला अभी दोनों गद्दे खाली पड़े हैं, पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं, ऑफिस में है नहीं। उसके बाद हम जिना मैं 1.5 घंटे यहाँ से बैठ करके नीचे आया, फिर 4 बजे बाद दोबारा फिर मैं प्रयास करना शुरू करें, रविंद्र को, जोगिंदर को, जोगिंदर ने भी 2 बार रविंद्र को फ़ोन किए हैं, मैंने मैसेज डाला, वो उसने देख लिया था, लेकिन बार बार मैसेजिंग करने के बावजूद भी 9:35 के बाद में इलेक्ट्रिशियन भेजा गया, जो कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल असहनीय। और मेरा बेटा भी 1 घंटे लिफ्ट में फंस गया, और जाके बोलो तो कहते हैं मरा तो नहीं। ये सारी बात क्यों पैदा हुई है? हमने परसों एक मीटिंग करके कहा था, अब भाई हमें जोगिंदर से मीटिंग चाहिए, नो वर्क नो पेमेंट, और उसके बाद भी इन्होंने मेरा मोबाइल उठाना बंद कर दिया, दूसरे मोबाइल से मैंने फोन किया तुरंत उठा लिया, और मीटिंग शेड्यूल करने के बाद जानबूझ के गायब रहते हैं। हाँ, और मीटिंग का शेड्यूल अभी कोई नहीं आया, इतने साल से लेकिन आज तक नहीं आए कभी भी मीटिंग। ये बिल्डिंग का भी शूटिंग ले लेना, क्या हालत है मेंटेनेंस की, हालत देखो, सारे पूरे एवलॉन में शूट करो, ये देखो, अगर कॉल करते हो व्हाट्सएप पर ग्रुप मैसेज कर दो, कोई जवाब मिलेगा नहीं आपको। उधर देखिए, सारे देखिए जी, हम लोग अपनी मेंटेनेंस टाइम पे दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी मेंटेनेंस नहीं दे रहा है उसके बाद ये उनकी लाइट कट कर दे रहे हैं। मेरी वाइफ बीमार रहती है, बेड पे रहती है, बगैर दवाइयों के वो सरवाइव नहीं करती, मेरी 15,000 की दवाइयाँ एक्सपायर हो गई हैं विदाउट फ्रिज ना चलने की वजह से, मैंने गुड़गांव आदमी भेज रखा है दवाई लेने के लिए, उसको धमकियाँ मिलती है। अगर सोसाइटी में कोई भी आगे आकर सोसाइटी के जो मेंटेनेंस की गंदी हालत कर रखी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनको जान से मारने की धमकियां मिलती हैं या देख लेने की धमकियां मिलती हैं। और ये सब क्या है, बिल्डर की तरफ से हो रहा है, किस लिए होता है कि हम हर महीने टाइम पे मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिल रहा है? मतलब हमारे घरों की हालत सुधरवाने की बजाय हमें जान से मारने की धमकियाँ मिलती हैं, कौन बर्दाश्त करेगा? हम ओनर्स या टेनेंट्स जो डेली ये फेस कर रहे हैं, इसका जवाब चाहिए हमें। बिल्डर दे, चाहे उसके जो मेंटेनेंस के बंदे हैं वो दें, हमें इसका जवाब चाहिए। मेरा बेटा ना लिफ्ट में फंसा रहा 1/2 घंटा, उन्हें फ़ोन करा गया तो वो कहते हैं तेरा बेटा मरा तो नहीं है ना, सही सलामत है, ठीक है? मैंने कहा ठीक है, तो कहते हैं कि ठीक है बच गया, अगर मर भी जाता तो पुलिस में चले जाते, हमें कोई वो नहीं है। और भैया को कैंडूला लगा था, लाइट काट के बैठे थे, मैं सुबह आई, मैं इतनी तेज चीखी, मेरे हस्बैंड भी चीखे, लेकिन बट कोई भी नीचे सोसाइटी में नहीं उतरा। और ये लोग ये भी नहीं कि कहाँ, एक कह रहा है कि मैं जिम में बैठा हूँ, एक कह रहा है मैं हूँ ही नहीं, तो ऐसे कनेक्शन कैसे जुड़ेंगे? मेंटेनेंस तो पूरा चाहिए इनको, लेकिन सेवा किसी को कुछ नहीं देनी है। उनको सब पता है, यहाँ क्या सब पता है, तो आप क्यों नहीं यहाँ बुलाई? या जिम्मेदारी आपकी थी, वो आके करें, क्यों नहीं किए? 3 बजे की मीटिंग है तो 3 बजे आ जाएंगे, कर लेना मीटिंग। क्या रहे हैं यार, ये जानकारी, बिल्डिंग की हालत ऐसी है, उन्हें क्यों नहीं बताया? वो क्यों नहीं यहाँ पर आए? क्यों नहीं आए? उनको बताया नहीं, उन्होंने देखा नहीं, यहाँ रुकते नहीं वो, तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे थे? जब पता नहीं तो आप नहीं, आप कहते हैं मैं छोड़ रहा हूँ, इस बिल्डिंग की हालत ऐसी है, मैं छोड़ रहा हूँ, जब मैं यहाँ, मैं नहीं आपसे पूछूंगी, आप अवेलेबल हो, आपसे वो जब आएंगे तब आएंगे, मैं आपसे पूछूंगी कि आप यहाँ फिर क्यों बैठे, क्यों नहीं सर्विस अपनी छोड़ी? कि जब हम मेंटेनेंस हम नहीं कर पा रहे हैं, तुम काम नहीं कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, तो हम ये सर्विस नहीं करेंगे, छोड़ो अपनी जॉब। जब वो नहीं कर रहा था तो आप जब कहते हैं मैं छोड़ रहा हूँ, जब तुम काम नहीं करोगे, हमें फालतू को बैठा रखा है, मैं उनसे क्यों बात करूँ? आप यहाँ रहते हो, आपसे करूँगी? नहीं, आप नहीं, उनसे करवाते, आप करवाते, यहाँ की जिम्मेदारी क्यों लेकर बैठे? वो पोस्ट पर आप क्यों बैठे हैं बताइए? उस पोस्ट पर आप क्यों बैठे हैं? क्या यहाँ की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं? तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया अभी तक? क्यों नहीं अभी तक बुलाया? ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने जब बुलाया था, हम लोगों ने बुलाया था, वो क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? आप क्यों नहीं करोगे? आप यहाँ फिर बैठे क्यों? जॉब छोड़ो, तुरंत अपनी जॉब छोड़ो, रिजाइन दो। क्यों क्यों नहीं छोड़ोगे? जब तुम कर नहीं सकते तो रहोगे?
से क्या? जब यहाँ काम नहीं कर सकते तो यहाँ रह कैसे सकते हो? जब आप काम नहीं कर सकते तो जब छोड़ के जाओ यहाँ से। तो जैसा कि आपने देखा हमारे पीछे लोग अब भी दुखी होकर लड़ रहे हैं, अपने बातें रख रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। सोसाइटी वाले यहाँ पे हर शख्सियत बहुत दुखी है क्योंकि उनको उनकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64।